हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पहुंच चुके हैं हमारे एन क्लास थ्री एस के लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेंटी सो चिल्ड्रन यू हैव स्टडीड सो मेनी थिंग्स इन योर ई वी एस बुक दिस ईयर आपने इस साल अपने ई के टेक्स्ट बुक में ट्रीज वाटर हाउसेस एनिमल्स व्हीकल्स और बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है क्या आप ये बता सकते हैं कि हम इतने सारी चीजों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है ये जानने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ योर पिक्चर इन दिस सर्कल सबसे पहले आप अपनी एक ड्राइंग बनाइए और उसके बाद ज्वाइन योर पिक्चर विथ लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लिव अपनी पिक्चर बनाने के बाद आपको उन सारी चीजों के साथ लाइंस जोड़नी है जिनके बारे में आपको ये लगता है कि वो नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी भी नहीं होगी यानी कि हमारे जिंदा रहने के लिए उनका होना बहुत जरूरी है तो जैसे सबसे पहले हवा यानी कि एयर का होना बहुत जरूरी है अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे उसके बाद हमारे लिए खाना भी बहुत जरूरी है हम जो भी खाते हैं ज्यादातर सभी चीजें प्लांट से ही हमें मिलती हैं। किसान खेती करते हैं क्रॉप्स उगाते हैं तो इसलिए हम प्लांट से भी हमारी लाइन खींचेंगे उसके बाद पानी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने लेसन ड्रॉप बाई ड्रॉप में पढ़ा है खाने के बगैर भी इंसान दो तीन दिन तक रह सकता है लेकिन पानी के बिना वो चार घंटे भी नहीं रह सकता इसके अलावा हमें घर की भी बहुत जरूरत होती है हाउस प्रोटेक्टर्स फ्रॉम द हीट धूप से बारिश से जानवरों से घर हमें सुरक्षा देता है और ये घर किससे बनता है घर बनता है क्ले से यानी कि सॉयल इसके अलावा वुड जो हमें पेड़ से मिलता है ब्रिक्स जिसे भी सॉयल यानी कि क्ले से ही मिलकर बनाया जाता है और इसके अलावा हमें सनलाइट की भी जरूरत होती है बिकॉज सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सूरज नहीं तो पेड़ पौधे फोटो भी नहीं कर पाएंगे और हमें भी खाना नहीं मिलेगा तो इसीलिए सन की जरूरत प्लांट्स को भी है नाउ टेल मी हैव यू ज्वाइन योर पिक्चर टू द हाउस क्या आपने अपने पिक्चर के साथ हाउस को भी ज्वाइन किया था हाँ बिल्कुल किया था बिकॉज द हाउस सेव फ्रॉम सन रेन हीट एंड एनिमल्स लिस्ट में ये सब चीजें भी लिखी हाउस बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ ब्रिक्स क्ले सॉयल और वाटर की भी जरूरत होती है इसी तरीके से हम और भी लाइन्स जोड़ेंगे ज्वाइन ऑल द लाइन्स विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम अभी हम देखेंगे कि इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है सबसे पहले हम बर्ड से शुरू करते हैं बर्ड सबसे पहले प्लांट से खाना खाएगी देयर फूड उसके बाद बर्ड घोंसला बनाएगी जो सूखे हुए ग्रास का इस्तेमाल करेगी बर्ड को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए उसके बाद है मून मून की जरूरत हमें होती है रात के वक्त चांद की रोशनी ही रस्ते में उजाला भरती है और सूरज की ही तरह मून की जरूरत भी हमारे अलावा बाकी सब लिविंग थिंग्स को होती है नेक्स्ट इज काउ काउ क्या खाएगी काउ ग्रास खाती है दैट इज वाई ग्रास इज रिलेटेड टू काउ काउ से हमें दूध भी मिलता है दैट इज वाई काउ इज ऑल्सो रिलेटेड टू अस उसके बाद है रैट रैट का रिलेशन किसके साथ होगा रैट सॉइल में गड्ढा बना के रहता है रैट इज रिलेटेड टू सॉइल रैट को भी सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है रैट इज रिलेटेड टू एयर सॉयल में बरो बना के सांप भी रहता है सो सॉइल इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्नेक हाउस के बारे में हमने तो पहले ही पढ़ लिया हवा की जरूरत और किस किस को होती है बर्ड को जरूरत होती है काउ को जरूरत होती है रैट को इसके अलावा प्लांट्स को भी हवा की जरूरत होती है हवा की जरूरत स्नेक को भी होती है और हवा की जरूरत ग्रास को भी होती है जितने भी लिविंग थिंग्स है जैसे कि स्क्विरल स्नेक प्लांट ग्रास इन सब को हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए उसके बाद है ग्रास ग्रास का रिलेशन हमने पहले देख लिया चिड़िया सूखे घास से नेस्ट बनाती है या फिर वो घास में छिपे हुए छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाती है ग्रास क्योंकि लिविंग थिंग है इसे बढ़ने के लिए भी हवा की जरूरत होती है सनलाइट की भी जरूरत होती है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रास इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्क्विरल क्योंकि स्क्विरल छोटे छोटे नट्स खाती है स्क्विरल को पानी की भी जरूरत होती है क्योंकि बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते और पानी की जरूरत स्नेक को भी होती है बिकॉज स्नेक इज ऑल्सो लिविंग थिंग और उसी तरह पानी की जरूरत प्लांट्स बर्ड्स काउ और रैट को भी होती है बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स तो फिर इस एक्टिविटी को करके हमें क्या पता चला कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक या दो चीजों पे नहीं बहुत सारी चीजों पे निर्भर है इनमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं रहेगी तो हमारा जीवन बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा ये फोटोग्राफ दिखने में एक बहुत बड़े से मकड़ी के जाले की तरह दिखता है ना? जस्ट लाइक अ बिग वेब दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द वेब ऑफ लाइफ अगर आपने ध्यान से देखा हो इस फोटोग्राफ्स में हमने कुछ नॉन लिविंग थिंग्स देखे जैसे हाउस सॉइल मून वाटर एंड सन और हमने कुछ लिविंग थिंग्स देखे जैसे स्क्स स्नेक बर्ड काउ रैट और हम सो वी कैन से दैट द वेब ऑफ लाइफ इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड वी डिपेंड ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल हमारी जिंदगी के लिए हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है चलिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार गिन लेते हैं लिविंग थिंग्स के क्या क्या विशेषताएं खास बात होती है फर्स्ट इज दे हैव लाइफ दे नीड फूड जो भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें खाने की जरूरत होती है दे आर एबल टू ग्रो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो छोटे से बड़े होते हैं जैसे कि हम और आप पेड़ पौधे जानवर भी पहले छोटे होते हैं और फिर बड़े होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस मतलब की वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकते हैं जैसे इंसानों के भी बच्चे होते हैं एनिमल्स के भी बच्चे होते हैं और हमें सीड्स के जरिए ही नए नए पेड़ पौधे मिलते हैं एंड द लास्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह हिल सकते हैं एक्सेप्ट द प्लांट्स क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को टाइटली पकड़ के रखते हैं इसीलिए वो हिल नहीं सकते वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ नहीं है दे डू नॉट नीड फूड दे डू नॉट ग्रो दे डोंट रिप्रोड्यूस एंड दे आर नॉट एबल टू मूव लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा हमने एक और चीज के बारे में पढ़ा वो है नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स नेचुरल थिंग्स वो होती है जो हमें नेचर से मिली हैं जिसे हमें प्रकृति ने दिया है जैसे सन मून वाटर एयर एंड ऑल्सो सॉयल ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिली है और कुछ कुछ चीज़ें मैन मेड होती हैं जैसे हमारे घर हमारी गाड़ियाँ व्हीकल्स टेलीफोन टी वी एक्सेट्रा दीज आर मैन मेड थिंग्स हमारी जिंदगी इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है सिर्फ हमारी जिंदगी ही नहीं नॉट ओनली ह्यूमन्स इवन एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर जानवर भी जिंदा रह पाए इसलिए वो भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ग्रेसोपर ग्रैसों क्या खाती है इसका खाना क्या है इसका खाना है घास अगर घास नहीं होगा तो ग्रैसों क्या खाएगी अच्छा क्या आप जानते हैं कि ग्रासोपर को कौन खाता है ग्रासोपर को फ्रॉग्स खाते हैं फ्रॉग्स को कौन खाता है फ्रॉग्स को सांप खाता है सांप को कौन खाता है सांप को वल्चर्स खाते हैं और फाइनली जब डवेल्चर्स मर जाते हैं तो उनके डेड बॉडी को भी चीटियाँ खा लेती हैं और मिट्टी में मिक्स कर देती हैं तो हमने ये देखा कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अगर ग्रास पर नहीं होगा तो फिर फ्रॉग क्या खाएगा और अगर फ्रॉग नहीं रहेगा तो सांप क्या खाएगा दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंस रिलेटेड टू फूड खाने के लिए एक दूसरे पे निर्भर होना इसको हम फूड चेन कहते हैं फूड चेन शोज हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई द फूड दैट दे इट फूड चेन को दिखाने के लिए हम फोटोग्राफ में इस तरीके से एरो डालते हैं विच शोज दैट ग्रास इज ईटन बाई ग्रासोपर ग्रासोपर इज ईटन बाई फ्रॉग फ्रॉग इज ईटन बाई स्नेक स्नेक्स आर ईटन बाई वर्ल्चर्स एंड वर्ल्चर्स आर ईटन बाई एंट्स आफ्टर दे आर डेड ये एक तरीके का चेन बन गया खाने का चेन इसीलिए हम इसे फूड चेन बोलते हैं फूड चेन की तरह एक और चीज भी है नाउ इन सबसे पहले यहाँ पे जो छोटा सा पेड़ उगा है, इस पेड़ के हरे हरे पत्ते गोट खाएगा गोट को जैकल खा लेगा और जैकल को जंगल में शेर खा लेगा अगर शेर को ये बकरी मिल गई तो शेर इस बकरी को भी खा लेगा उसी तरह जंगल में रैबिट को भी एक बहुत बड़ी वाइल्ड कैट खा लेगी वाइल्ड कैट को लायन खा लेगा जंगल में रहने वाले छोटे छोटे चूहो को आउल खाता है आउल को स्नेक खाता है और स्नेक को भी काइट या फिर वल्चर खा लेता है यहाँ पे हमने बहुत सारे फूड चेन को देखे लेकिन इसको हम फूड चेन नहीं हम फूड वेब बोलेंगे जब बहुत सारे फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक करके मिक्स करके दिखाए जाते हो तब उसे हम फूड वेब बोलते हैं तो फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर हुआ फूड चेन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमें खाना और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता हुआ नजर आता है जबकि जब बहुत सारे फूड चेन आपस में मिल जाए तब उसे फूड वेब बोला जाता है फूड वेब इज अ सिस्टम इन विच मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर वेर फूड चेन इज अ सिस्टम इन विच द फूड एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म

तो इसी नोट के साथ हमारा छोटा सा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है होप यू लाइक इट इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स वी विल मेट वेरी सून विद द सिलेबस ऑफ योर नेक्स्ट क्लास टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियो